वेलकम अगेन दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम मिला तो सोचा रिटर्न फॉर्म फिल कर ले। रिटर्न फाइलिंग के पार्ट वन में हमने जहां से फॉर्म फिल करना छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्योंकि अपना डेटा सेव किया था तो वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो FBR की वेबसाइट पर आयरिस में दोबारा लॉग इन किया। और यहाँ ड्राफ्ट्स में जाएंगे तो आपको डिक्लेरेशन का टैब नजर आएगा, यानी ये वो ड्राफ्ट है जो हमने सेव किया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ सेंटर में हमारे फॉर्म का लिंक आएगा। इसको क्लिक करके फिर एडिट के बटन को क्लिक करें तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें हमारी डिटेल्स सेव हुई भी हैं। हम एडजस्टेबल टैक्स में जहां जहां टैक्स दे चुके हैं वो एंटर कर रहे थे। गाड़ी के टोकन टैक्स पर इनकम टैक्स तो हो गया। इसी तरह हम जो मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं उस पे भी इनकम टैक्स कटता है। वो टैक्स सर्टिफिकेट आप अपने सर्विस प्रोवाइडर की फ्रेंचाइज से जाकर हासिल करें, उसमें जितनी टैक्स अमाउंट कटी है वो एंटर करनी है। अगर पोस्टपेड है तो यहाँ सेलफोन बिल में, और अगर प्रीपेड में बैलेंस लोड करते हैं तो यहाँ प्रीपेड टेलीफोन कार्ड के सामने प्लस को क्लिक करें, यहाँ मोबाइल नंबर लिखते और नीचे सर्विस प्रोवाइडर। और टैक्स सर्टिफिकेट से अमाउंट देखकर यहाँ एंटर कर दें। अगर एक से ज्यादा नंबर है तो इसी प्लस को दोबारा क्लिक करके प्रोसेस रिपीट करें। इसी तरह इंटरनेट यूज करते हैं तो जिस कंपनी का करते हैं उनसे टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करें और वो अमाउंट भी एंटर करें। यहाँ इंटरनेट बिल में अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करें और सर्विस प्रोवाइडर। और अमाउंट यहाँ स्कूल की फीस पर अगर एडवांस टैक्स लिया जा रहा है तो वो यहाँ एंटर करें। इसी तरह मजीद खुद से मुतल्लिक फील्ड्स में अमाउंट्स एंटर करते जाएं। जैसे मैं भाई के पास दुबई मिलने गया था तो परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट पर जो टैक्स दिया वो यहाँ। कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक कर दें। बैंक अकाउंट या सेविंग सर्टिफिकेट से जो प्रॉफिट आया उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो एंटर करने के लिए यहाँ फाइनल फिक्स्ड टैक्स का टैब नजर आ रहा है, इस पर क्लिक किया और नीचे आए प्रॉफिट ऑन डेट पर प्लस को क्लिक किया। सर्टिफिकेट या अकाउंट नंबर एंटर करके बैंक का नाम, जितना प्रॉफिट आया वो यहाँ पर और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो इधर। इसी तरह और कोई फिक्स्ड टैक्स किसी ट्रांजैक्शन पर कटा हो तो वो एंटर करके कैलकुलेट को क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट टैब कॉम्प्यूटेशंस पर क्लिक करते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली पिछली तमाम एंट्रीज की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। यहाँ नीचे अगर एडमिटेड इनकम टैक्स के खाने में कोई अमाउंट लिखी हो तो वो पे किए बगैर रिटर्न फाइल नहीं होगी, लेकिन मेरी रिटर्न में रिफंडेबल इनकम टैक्स के खाने में अमाउंट आ रही है, यानी ये अमाउंट मैं FBR से रिफंड ले सकता हूँ। अब किसी भी वक्त सेव का बटन दबाकर अपनी एंट्रीज को सेव कर लें। देखा, इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आसान सा फॉर्म है और बस डिटेल्स एंटर करते जाना है। इनकम और टैक्स से मुतल्लिक सारा डेटा तो हमने एंटर कर दिया। नेक्स्ट हमने अपने असासों यानी एसेट्स की डिटेल्स एंटर करनी है वेल्थ स्टेटमेंट में, तो वो एंटर करते हैं रिटर्न फाइलिंग वीडियो के पार्ट 3 में।